guys, welcome back to my channel. My name is Naya Fatma and you are watching Techie Naya YouTube channel. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम Google AdSense से अप्रूवल के लिए पेजेस को कैसे जनरेट करेंगे, कौन कौन से पेजेस जैसे होता है कॉन्टैक्टस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर, इन सब पेजेस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपने ब्लॉगर में ताकि जब हम Google AdSense का अप्रूवल लें तो हमें ईजिली अप्रूवल मिल जाए। तो ये जो पेजेस होते हैं ये गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए बहुत 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 ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने ब्लॉगर में पेजेस को कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने ब्लॉगर को साइन इन कर लेंगे, उसके बाद हम पेजेस पर क्लिक करेंगे। पेजेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने पेज बना सकते हैं। तो हम न्यू पेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइटल में हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस का हमने पेज बनाना है। तो अब अपने पेज कैसे क्रिएट करना है, आपने न्यू टैब को ओपन करना है। न्यू टैब को ओपन करने के बाद आपने इस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको गूगल ऐप्स मिल जाएंगे, नीचे आपने आना है, आपने डॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम डॉक्स गूगल डॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फोरम्स, फोरम्स पर जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फोरम्स होते हैं, आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के फोरम पे क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने सेंड के बटन पे क्लिक कर देना है। सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे लिंक देगा। ये लिंक का साइन होता है और ये होता है HTML कोड का। हमने क्योंकि अपने ब्लॉगर में इसको कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म को लगाना है तो हम HTML एम्बेडेड HTML को कॉपी करेंगे और अपने ब्लॉगर में जाके पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपने ऐसे नहीं पेस्ट करना, ये जो पेंसिल का निशान है इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो व्यूज़ मिलते हैं, एक कंपोज व्यू, कंपोज व्यू इसको कहते हैं जो आपके आप ऐसे खुद राइट करते हैं, ये होता है कंपोज व्यू, ठीक है। और HTML व्यू में आपको कोडिंग मिलती है। HTML व्यू में जाके आप सिंपली यहाँ पर इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे वो जो कोड हमने यहाँ से कॉपी किया था, ठीक हो गया। अब इसे आप कंपोजियो में जाके देख सकते हैं आपको ये कैसा नज़र आ रहा है। अभी ये आपको ऐसा नज़र आ रहा है ना, ये आप इसे एरर मत समझें, ये ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर दें और कंफर्म कर दें। तो ये हमारा पहला कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो पब्लिश हो चुका है हमारे ब्लॉग के अंदर। हम व्यू ब्लॉग पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो नहीं आया, सॉरी, हम यहाँ पर जाएंगे कॉन्टैक्ट अस को खोलेंगे और यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज कुछ ऐसा शो होगा, ठीक है। ऐसा हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज हमारे ब्लॉग पे शो होगा। ओके, तो हम इसे क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, बैक जाएंगे। तो यहाँ से हम अगर व्यू पे क्लिक करें तो ये देखें ऐसा हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो ऐसे शो होगा। हमें जो भी कोई आगे इस पर नेम लिखे, ईमेल लिखे, एड्रेस लिखे तो सबमिट करेगा तो हमारे गूगल डॉक्स वाले अकाउंट पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि उसने क्या इन्फॉर्मेशन मांगी है। तो सिंपली ऐसे आपने कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे अपलोड कर लेना है। आपका पहला पेज क्रिएट हो चुका है कॉन्टैक्ट अस का। हम सेकेंड पेज जनरेट करते हैं। सेकेंड पेज है हमारा प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी इसका टाइटल होगा। न्यू टैब हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, इसे आपने ओपन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वेबसाइट होगी प्राइवेसी जनरेटर की, इसे आपने ऑन कर लेना है। यहाँ पे आपने कंपनी नेम लिखना है। कंपनी नेम से मतलब ये कि अपने अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकी ट्रेंड्स, यहाँ पे हमने वेबसाइट का नेम लिखना है। सेम नेम हम लिखेंगे क्योंकि हमारी यही कंपनी यही वेबसाइट है। और यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल डालना है। यूआरएल डालने के लिए आप इसको बंद करें, यहाँ से आप अपना दोबारा से ब्लॉगर का अकाउंट ऑन करें, न्यू टैब में ऑन कर लें। आप यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे जाएँ, व्यू ब्लॉग पे जाने के बाद ये आपका यूआरएल है, इसे करें कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला के पेस्ट कर दें। अब नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें तो ये पूछ रहा है डू यू यूज़ कुकिंग ऑन योर वेबसाइट। यस,
डू यू शो एडवर्टाइजमेंट थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट? यस, हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे गूगल एडसेंस से, तो हम यस कर देंगे. डू यू शो एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी एक्सेप्ट गूगल? के गूगल के अलावा आप किसी थर्ड पार्टी से एडवर्टाइजमेंट करना चाहेंगे, तो हम करेंगे नो, क्योंकि हमने सिर्फ गूगल से ही करनी है. तो हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे. कंट्री हमारा है पाकिस्तान, तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे. स्टेट हमारी पंजाब है, तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे. कोई भी ईमेल एड्रेस आप लिख सकते हैं जो आपने उसके साथ अटैच करनी हो. मैं यहाँ पे कोई फर्जी सी ईमेल एड्रेस लिख रही हूँ, तो इसे आपने जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक कर देना है. जैसे ही आप जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको दो किस्म के बॉक्स मिलेंगे. आपने नीचे वाले बॉक्स को कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड कर देना है. जैसे ही आप कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड करेंगे, आपने पोस्ट पे आना है. आपने यहाँ पे आना है जहाँ पे आपने प्राइवेसी पॉलिसी लिखनी थी, क्योंकि वो HTML की कोडिंग है, तो आपने कंपोज व्यू में नहीं जाना, आपने HTML व्यू पे जाना है. यहाँ पे जाके आपने कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर देना है. अब जब आप इसको कंपोज व्यू में लेके जाएंगे, तो इस तरह से ऑटोमेटिकली आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट हो जाएगा. ये पेज बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए. यहाँ पे कुछ लिंक्स होंगे, इन लिंक्स को आपने डिसलिंक कर देना है. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपने लिंक इसका रिमूव कर देना है. यहाँ से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे और भी कुछ लिंक्स हैं, इसे भी आपने रिमूव कर देना है. इस तरह से रिमूव कर देंगे और ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट हो चुका है. इसे आप पब्लिश कर दें. हमारे दो पेज जनरेट हो चुके हैं. इसी तरह अब हम तीसरा पेज बनाएंगे. तीसरा पेज हमारा होगा डिस्क्लेमर का, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे डिस्क्लेमर. डिस्क्लेमर लिखेंगे और यहाँ पे आएंगे, इसको बैक कर देंगे. इसी तरह जैसे हमने लिखा है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्क्लेमर जनरेटर. तो ये पहला लिंक ही हम ओपन करेंगे. ये सेम होगा, उसी तरह की वेबसाइट है ये. तो यहाँ पे अपना सारा डाटा पुट करेंगे. हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तान करेंगे. स्टेट पंजाब है, तो पंजाब करेंगे. ईमेल एड्रेस भी कर देंगे और जनरेट माय डिस्क्लेमर पे क्लिक कर देंगे. तो जिस तरह से हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट हुआ था, उसी तरह डिस्क्लेमर का भी आ चुका है. इसको कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड करेंगे. हम वापस आएंगे यहाँ पे, इसको HTML व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर देंगे और देन कंपोज व्यू करेंगे. तो ये हमारा डिस्क्लेमर आ चुका है. इस लिंक को हम रिमूव कर देंगे. तो लें जी, आपके तीन पेज बड़ी आसानी से जनरेट हो चुके हैं. अब नेक्स्ट हम न्यू पेज पे जाएंगे. हमारा ये पेज होगा अबाउट अस का. अबाउट अस में हम राइट करेंगे कि मेक मनी ऑनलाइन इफ यू वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन कोर्सेस एंड ट्रिक्स देन यू आर एट द राइट प्लेस. प्लीज inform us for any query and question at this. साथ में अपना कोई भी ईमेल दे सकते हैं. तो ये आपका छोटा सा अबाउट अस हो जाएगा और इसको आप पब्लिश कर देंगे इस तरह से. तो ऐसे जो है आप अपने पेजेस को जनरेट कर सकते हैं. हमारे तकरीबन चार पेजेस बन चुके हैं. आप इसे व्यू कर सकते हैं, डिस्क्लेमर को भी. ये कुछ इस तरह से होगा हमारा पेज. इसी तरह से आपने आर्टिकल भी अपने लिखने हैं, लेकिन वो आपने पेजेस पे नहीं लिखने, पोस्ट पे जाकर लिखने हैं. ये आपके पेजेस हैं जो कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में हमारी हेल्प करेंगे. ठीक है, इसको आप यहाँ से इस तरह करके आप व्यू भी कर सकेंगे हमारा पेज किस तरह का लग रहा है. इस तरह से आपके पेजेस ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुके हैं. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम आर्टिकल को कैसे राइट कर सकते हैं विद SEO. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे. तो अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.